सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और बताओ कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बहुत मस्त होंगे। मैं फिलहाल ठीक हूँ। सर आज है संडे 17 सितंबर और फिलहाल अभी मैं रेडी वेडी हो चुका हूँ, देख सकते हो आप। तो आपको आउटफिट से नहीं लग रहा होगा कि मैं किस लिए रेडी हुआ हूँ। जी हाँ गाइस, मैं फिलहाल अभी जा रहा हूँ जुहू बीच। और जुहू बीच जाने का रीज़न ये है कि वहाँ पे एक भैया आ रहे हैं, जो मैं गया था, एक प्रीवियस ब्लॉग बनाया था विक्रॉली का, तो विक्रॉली से सीधे जुहू बीच आ रहे हैं वो, और उनके साथ साथ और भी लोग हैं, तो मैं आपको वहीं पे मिलवाऊंगा अगर मौका मिलेगा तो। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं और सोसाइटी में भी क्या हो रहा है वो भी मैं आपको दिखाते हुए चलूंगा। ठीक है, सो यार कम ऑन, फटाफट से चलो। अगर आज संडे है तो आज तो मतलब लेजीनेस ऑन द टॉप होता है, तो आज मैं सिर्फ मिल्क शेक पिया हूँ और अभी 5 बज गया है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना 2-3 केला खा ले जाए, उसके बाद बीच में जो खाना वो खाएंगे और देखते हैं। तो चलो इंजॉय करते हैं, देखते हैं ब्लॉग कैसा होता है। सर फिलहाल मैं अभी आपको दिखाते हुए चलता हूँ कि कॉलोनी में आखिर क्या काम हो रहा है और ऊपर क्या टेक ऑफ कर रहा है। ठीक है, सो ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। फिलहाल देख सकते हो कितना मस्त तरीके से सज गया है और अभी तो और सजना बचा है। और ये है अपना सेंटर एरिया ऑफ पंडाल, पूरा मस्त। और ये है अपना मेन स्टेज, तो ये पूरा एरिया देख रहे हो, ये इसमें पूरा कारपेट बिछता है। ठीक है, पूरा नीचे से लेकर ऊपर। तो ये तो मैं आपको दिखा दिया डे व्यू। ठीक है, और मैं बीच जाऊँगा और बीच से आने के बाद आपको फिर दिखाऊँगा इसी ब्लॉग में, आप बने रहो, कि नाइट व्यू में कैसा लगता है, मतलब नाइट में कैसा चमकता है, क्या कुछ होता है। 25th तक ऐसे ही मैं ब्लॉग डालता रहूंगा गणपति विसर्जन तक, ताकि आप एंजॉय करो। तो ये पुराना बोर्ड हट चुका है जो कि दुर्गा पूजा का था, और अभी नया बोर्ड लग चुका है, पवन हंस आनी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सर्व गणेश, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना। यहाँ भी चल रहा है मस्त डेकोरेशन, देख सकते हो आप लोग लगे हुए हैं। और ये पूरा बैनर बनेगा क्या यहाँ पे? पूरा बैनर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, सो अभी मैं आपको लौटते समय दिखाऊंगा। 1 घंटे में हो जाएगा ना कम्प्लीट ये वाला? तो 1 घंटे में हो जाएगा, तो 1 घंटे में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अभी लगने वाला है अपना पवन हंस आनी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्वागतम। तो ये सामने क्रिकेट भी चल रहा है। तो यार इतना काम हो रहा है कि पूरा एरिया गंदा हो गया है, देख सकते हो। जो बीच चलो चलो चलो, घर से निकलते ही चलते ही फंस चुके हैं यहाँ पे ट्रैफिक में। और ये देख सकते हो, यहाँ से जस्ट लेना है मुझे राइट। सर यहाँ पे उतरते ही ऑटो वाले से लड़ाई हो गया, उसके पास यार जीपे नहीं था। मैं पूछा भी था कि भैया जीपे है आपके पास? बोला हाँ हाँ, अभी आके बोल रहा है यार कैश दो। तो मैं कैश कहाँ से लाऊँ, आपको पता है कि मैं कुछ पर्स वर्स लेके नहीं आया हूँ। अब जुहू बीच पे आके ये क्या देख रहा हूँ यार, मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ, पूरा प्लास्टिक ही प्लास्टिक है यार, मतलब ये तो दिल टूट गया भाई आके। आप और आज संडे है, बट संडे के हिसाब से उतना भीड़ नहीं दिख रहा यार जितना पहले भीड़ होता था, आप देख सकते हो। मजा नहीं आया, उधर भीड़ है देख रहा हूँ, और पानी तो भाई पता नहीं कितना अंदर चला गया है। तो फिलहाल मैं जुहू बीच पे आ चुका हूँ, और यार जुहू बीच पे आके इतना बुरा लग रहा है कि पूछो मत, मतलब हर जगह देख सकते हो आप प्लास्टिक ही प्लास्टिक, पता नहीं क्या क्या लोग फेंके हैं यार, है ना। मतलब मैं करीब 2 महीने बाद आ रहा हूँ जुहू बीच पे, तो फिलहाल ये भैया भी आए हैं, बाबू भी आए हैं, तो उन लोगों को कैसा लग रहा होगा यार इतने दिनों बाद जुहू बीच आए, और ये गंदगी अगर कोई भी देखेगा तो सोचेगा ही ना यार। तो फिलहाल चलते हैं, वो लोग चौपाटी साइड पे है, वो बोल रहे हैं कि मैं इस साइड आ रहा हूँ, तुम भी इधर आओ, तो बड़ा चलते हैं और देखते हैं, अगर टाइम होगा तो मैं आपको मिलाऊंगा। ठीक है, बट यार पानी के अंदर जाने का तो कोई ऐसा मूड कर नहीं रहा, इतना गंदगी तो मैं आज तक जू बीच पे नहीं देखा यार भाई, सच में दिल टूट सा गया ऐसा लग रहा है। गलत रास्ता ले लिया यार, उधर से जाना चाहिए था या उधर से जाना था, मैं सीधे बीच में घुस गया, देखो कचड़ा यार, मतलब इतना गुस्सा आ रहा है ना। साइड पे साफ है, मतलब थोड़ा सा ही एरिया ऐसा है जो आपको क्लीन नजर आएगा, बाकी सारा इसके बाद तो पूरा गंदा ही गंदा है भाई। तो मैं भी अपने आप पे सेम फील कर रहा हूँ कि यार मैं व्लॉग भी बना रहा हूँ तो क्या, ये है ना, सोचा था यार जाऊँगा बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स क्लिक करूँगा, अच्छे अच्छे वीडियोस निकालूंगा, बट मैं आपको बता कह रहा हूँ यार कितना गंदा है जुहू बीच। तो आपके माइंड पे क्या इंप्रेशन जाएगा मुंबई और जुहू बीच के लिए? इसके बाद से जुहू बीच क्लीन है। ओहो क्या हाल है भाई, क्या हाल है, सब ठीक है? क्या कॉम्बिनेशन है, रेड 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 और मजा आ रहा है, मजा आ रहा है आज घूमने मिल रहा है। यही है अमिताभ बच्चन का, पूरा ढका रहता है, क्या देखेगा यहाँ, नहीं मिलने नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये गोपी सब है ना,
रासलीला। हाँ पीस खाना है गोलगप्पा, कितना पीस? एक पीस, दो पीस, तीन पीस? हाँ सिक्स सिक्स बस। अरे जल्दी करो भाई लोग, ज़्यादा भीड़ है यार यहाँ गोलगप्पा काउंटर। तो फिलहाल मैं आ गया था मंदिर के बाहर और भैया बाबू चले गए हैं, अभी जस्ट गए हैं ना, अभी जस्ट मैं था इस्कॉन टेम्पल, अभी टाइम हो रहा है 7। तो मैं इस दुविधा में हूँ कि मैं घर जाऊँ या मंदिर में जाके थोड़ा सा इन्जॉय करूँ आधा घंटा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं भी जा रहा हूँ मंदिर और उसके बाद मैं आधा घंटा यहाँ पे इंजॉय करूँगा, उसके बाद मैं घर जाऊँगा। कुछ एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ इस्कॉन टेम्पल के अंदर और इस बार थोड़ा सा आते हैं इंजॉय करते हैं म्यूजिक डांस वगैरह। तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं अपनी कॉलोनी में और मैं आपको दिखाता हूं बैक कैमरा से कि यहां पे लाइटिंग और स्टेज और ये सब कैसे सजा है, रात में कैसा दिखता है, दिन में तो मैं आपको दिखा दिया। तो इधर अपना मेन स्टेज और ये सब लाइटिंग लगा है साइड साइड में। क्या ले जा रहे हो हैं? क्या है यार ये? अरे एक बार में 5-5 प्रोजेक्ट दिए। अच्छा प्रोजेक्ट के लिए है, मुझे लगा पंडाल के लिए ले जा रहे हो कुछ डेकोरेट। चलो ठीक है जाओ जाओ। कुछ रात का व्यू है देख सकते हो आप, लाइटिंग वाइटिंग पूरा हो गया तो मस्त लग रहा है। ये है अपना मेन मंदिर और यहाँ से जो व्यू आ रहा है वो नेक्स्ट लेवल, अभी आगे का जब हो जाएगा तो और मस्त लगेगा।